नमस्कार, पैनोरमा लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके सामने है मैथ्स प्रैक्टिस सेट 2 जो कि सीटेट 2019 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज इसमें क्वेश्चंस हैं, उनको कर देखते हैं और आप अपने आप को इवेलुएट करिएगा कितना आपको क्वेश्चन आता है, और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप ऐसा मत करिए कि रेलवे SSC लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे जो कि सीटेट पूछता ही नहीं है, तो वैसे क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप वैसे क्वेश्चन करना भी चाहते हैं तो NCERT अप टू 5th और अप टू 8th, जिसका भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 5 तक की मैथ, और अपर प्राइमरी का देने जा रहे हैं तो 8 तक की मैथ, NCERT पैटर्न का फॉलो कीजिए, उसी को सॉल्व करिए और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। आप हमारा स्लोगन है, कर लो पढ़ाई दूर नहीं 7 जुलाई, तो आपको हम याद दिला रहे हैं हमेशा कि 7 जुलाई दूर नहीं, पढ़ाई करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि 1001 मल्टीप्लाई करते हैं 111 से, और 11 जैसे इसको देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,10,000 प्लस 11 में कितना गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहले इस संख्या में देख लेते हैं कि इसको गुणा करने पे कितनी संख्या आ रही है। तो 1001 में 111 का गुणा कीजिए, तो 1001, फिर इसको गुणा कीजिए, तो 1001, फिर इसको गुणा कीजिए, तो 1001, अब सबको जोड़ दीजिए तो 1111, यानी 6 बार 1 आंसर आएगा। तो जो इसको गुणा करने के बाद आंसर आया है आपका, 6 बार 1 आंसर आया है। अब इधर क्या देखिए, आप 1,10,000 तो पहले से ही है, अब इसमें से 1,10,000 को घटा दीजिए, 1,10,000 को घटा दीजिए, तो 1111, बाकी 0, तो 4 1 बचा। अब ये 4 1 बचा है तो 11 में कितना गुणा करें कि ये 4 1 आ जाए। ठीक है, कितनी बार गुणा करें कि ये 4 1 आ जाए, तो 11 में 101 का गुणा करके देखिए, तो 101 इंटू 11, 101, तो 11, यानी आ गया ये 4। तो क्या जोड़ना, क्या यहाँ खाली स्थान में क्या भरेंगे हम, 101 भरेंगे, 101 अगर रहेगा तो 1001 की जो गुणा करने के बाद रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 101। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान और 2659 में 6 का स्थानीय मान जोड़ने के बाद क्या होगा, 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले जो पहले इधर देखते हैं, जो हमें दिया हुआ उसी को सॉल्व करते हैं। तो 15,201 में 5 का स्थानीय मान हमको बताना है। मैं 5 के स्थानीय मान निकालने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका बताया हूँ, आसान है। जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको 1 रखिए, ठीक है, या फिर ये कहिए कि जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको पूरा उतार लीजिए, बाकी पीछे की जितनी संख्या बची वो 0 रख कर दीजिए। 1 2 3 आया 0, ये 3 है ना 5 के पीछे, इनके 0 कर दीजिए और 5 को सीधा 5 उतार दीजिए, कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5,000। अब इसमें देखिए 2659 में, 2659 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 को तो आप पूरा उतार दीजिए, और दिन पीछे 2 संख्या है 5 और 9, इनके जगह पर क्या रख देंगे आप, 0, फिर उनको जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ा ही ना बोला है ना यहाँ पे, देखिए जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5,600। अब 7 में क्या गुणा करेंगे कि 5,600 आएगा, जरा 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए तो कितना आता है, 6,300, तो ये तो होगा नहीं। अगर 7 में 80 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 560, तो ये भी नहीं होगा। 7 में अगर आप 800 का गुणा करते हैं तो यहाँ संख्या पहुँच जाएंगे, और अगर आपके पास 5600 आ गया था, आपको ये नहीं पता था कि क्या नंबर मिलेगा आपको, तो आप क्या करिए, 7 से भाग दे दीजिए 56, ठीक है, बाकी ये 0 है तो 2 0 उतार दीजिए, क्या आंसर आ जाता, 800। ठीक है, क्या आसान था ना ये क्वेश्चन, कठिन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां है, कितने दर्जन टॉफियां है? 5 दर्जन। इसका 1/3 भाग अमिता को देता है, 5/2 भाग अनिल को देता है, और 1/12 भाग हमीदा को देता है। तो सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है? तो 5 दर्जन टॉफियां, 5 दर्जन टॉफी है, 5 दर्जन टॉफी है, स्टिक हो रहा है पेन, 5 दर्जन टॉफी है। तो अगर 1 दर्जन में कितना होता है, 12, और 5 का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 60 टॉफियां। ये समझ में आ गया आपको? सोनू के पास कितनी टॉफियां हैं? 7 टॉफियां। 1 दर्जन में कितना होता है? 12। अगर सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं तो टोटल कितनी टॉफी हो जाएंगी? 60 टॉफी, यानी 60 टॉफी सोनू के पास हैं। तो हमने निकाल लिया यहाँ से 5 दर्जन टॉफियों का कितना आ गया, 60 टॉफी सोनू के पास हैं। इसका 1/3 भाग अमिता को देता है, तो आप यहाँ से अब काउंट करते जाइए, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। अमिता को 60 का 1/3 भाग दिया तो गुणा कर देंगे, ये कितना मिलेगा? 20। ओके, अब इसमें से अनिल को कितना मिला, आइए उसका देखते हैं। अनिल को 5/2 भाग देता है, तो 60 का 5/2 निकालिए यहाँ से, कितना आ जाएगा ये? 30। ये गलत लिख दिया है क्या? हाँ, ये 5/2 नहीं होगा, 2/5 होगा। क्या होगा? 2/5 होगा, ये मेरा मिस्टेक है, सॉरी इसके लिए। तो 5 से 60 को कटाएंगे, 12 में कट जाएगा, और टॉफी आएंगी 24। ठीक है, टॉफी आ गई 24। उसके बाद हमीदा के लिए क्या दिया है इन्होंने, हमीदा को देखिए, हमीदा को 1/12 भाग दिया, यानी 60 का 1/12 भाग, तो कितनी टॉफियाँ दे दी? 5। तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है क्या, 5 ये, 20 ये, और 24। तो 20, 24 और 5 मिलकर के कितनी टॉफियाँ होंगी? 20, 24 और 5 मिलकर के कितनी टॉफियाँ हो जाएंगी? 9 और 4, 49 टॉफियाँ सोनू ने बांट दी। तो अब सोनू के पास कितनी टॉफियाँ हैं? तो 5 दर्जन के बाद से उसके पास कितनी टॉफियाँ बची थी? 60। तो 60 में से 49 को घटा देंगे आप, तो 11 टॉफियाँ किसके पास बची? सोनू के पास। तो सोनू के पास अभी भी कितनी टॉफियाँ हैं? 11 टॉफी। ठीक है, समझ में आ गया? आपको क्या करना है, 60 टॉफियाँ थी उसका 1/3 भाग निकालिए, फिर 60 टॉफियों का ये 5/2 नहीं 2/5 है, 2/5 भाग निकालिए, और फिर 1/12 भाग निकालिए। जितनी टॉफियाँ आएंगी, 20, 24 और 5 आएंगे, उनको जोड़ करके रिजल्ट 49 आएगा, और 60 में से 49 को माइनस कर देंगे तो आप उत्तर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ही माप के 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, ऐसे ही 16 बोतलों में दूध की मात्रा क्या है? 16 बोतलों में कितनी दूध भरा जाएगा? ठीक है, तो 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 ml भरा जा रहा है, 23 बोतल में। तो आप समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, मैं 51 लीटर 750 ml को पूरा अगर मिलीलीटर में लिखूं तो 51,750 ml लिखूंगा। ठीक है, ये कितने बोतलों में है? 23 बोतलों में। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर एक बोतल में मुझे निकालना हो तो कितना एक बोतल में क्वांटिटी होगा, कम या ज़्यादा? कम होगा, तो कम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 51,750 को 23 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी एक बोतल में इतना अमाउंट मिलीलीटर रहेगा। फिर 16 बोतल के लिए आपको क्या करना होगा, एक बोतल के लिए था तो 16 बोतल में ज़्यादा होगा, 16 बोतल में आपको यहाँ 16 से गुणा करना पड़ेगा। अगर गुणा करेंगे आप तो आपको पूरे सॉल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसको हल करिए, हल करने के बाद आपको मिलेगा 36,000 ml। क्या मिलेगा? 36,000 ml, और ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, 1000 से आप भाग देंगे तो ये तीनों संख्याएं कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 36 लीटर। सही आंसर हो जाएगा D, जो कि ये है 36 लीटर। समझ गए?
23 बोतलों में क्या हो जाएगा 750 ml, एक बोतल का निकालिए, एक बोतल का जो क्वांटिटी होगा उसमें 16 से गुणा कर दीजिए, आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। 36 लीटर दूध है। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभकार बक्सा जिसकी चौड़ाई लंबाई दिया हुआ है, आप पढ़िए, 13 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। एक घनाभकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है, एक घनाभकार बक्सा भी दिया है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है, 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे, तो उन घनों की संख्या हमें बतानी है जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। तो हमें तो ये बोला गया कि आपके पास दो बक्से हैं, एक घनाभकार है और एक घन के आकार का है। तो घनाभकार हो गया, एक घन हो गया और एक घनाभकार हो गया, ओके। ये आपको मिल गया है दो बक्से, एक की चौड़ाई लंबाई ये रही, एक की चौड़ाई लंबाई मतलब घन है तो एक भुजा रही ये, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर का, यहाँ से आप चौड़ाई लंबाई इसका देख लीजिएगा। इसका इसमें आपको इन दोनों बक्सों में क्या रखना है, एक सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करने हैं, एक सेंटीमीटर भुजा के 360 घन पैक करने हैं। तो चलिए पहले तो इन दोनों में कितना इनका आयतन है, अगर हमको पैक करना है तो उनका जहाँ पर जिस सामान को हम रखते हैं जिस बॉक्स में उसके आयतन को घेरते हैं हम, तो पता करते हैं इन दोनों बक्सों का आयतन कितना है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 13 × 11 × 9। ये आपको यहाँ से हल करेंगे तो आपको मिलेगा 1287 घन सेंटीमीटर। क्या मिलेगा, 1287 घन सेंटीमीटर। आप आ जाइए घन के लिए, घन पे घन का क्या फार्मूला होता है, किसके लिए, आयतन के लिए, तो भुजा का क्यूब, भुजा का घन, तो 12 का क्यूब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1728। अब इन दोनों को मिला करके क्या रखना है, बॉक्स में एक सेंटीमीटर भुजा वाले घन रखने, इन दोनों बॉक्स में, तो इन दोनों का मिला के क्या आयतन होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आपको मिल जाएगा, 3015। तो हमको क्या मिल गया, टोटल कैपेसिटी मिल गई 3015 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन मिल गया, मतलब 3015 घन सेंटीमीटर जगह है आपके पास। अब आपको इसमें जो पैक करना है वो है एक सेंटीमीटर की भुजा, तो ये कितना जगह घेरेगा, तो ये घेरेगा आपका एक सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, अब घन नहीं, यहाँ पे क्यूब नहीं रहेगा, एक सेंटीमीटर क्यूब या एक घन सेंटीमीटर। तो ऐसे एक घन सेंटीमीटर के क्यूब के आयतन वाले 3060 घन वाले पैक बक्से कितना जगह घेरेंगे, 3060। तो कितने बॉक्स हो गए, 3060, और हमारे पास कुल जगह कितनी है, 3015। अब कितने नहीं रख पाएंगे बक्सों में, घटाएंगे आपको मिलेगा 45। तो 45 बक्से छोटे वाले इन बक्सों में नहीं रख पाएंगे, तो जो आंसर निकला वो 45 निकला। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। ये आप बनाइए एक आयत, इसकी चौड़ाई है आपके पास 48 और इसकी लंबाई है 48, चौड़ाई होगी 21 सेंटीमीटर। किसी वर्ग की भुजा, एक वर्ग भी आपके पास, इसकी भुजा 2/3 है आयत की लंबाई की, तो आयत की लंबाई कितनी है 48, आयत की लंबाई कितनी है 48, तो इसकी 2/3 बोल रहा है, इसकी 2/3 बोल रहा है, तो 3 से इसको कटाइए तो क्या हो जाएगा 24, यानी इसकी भुजा आ गई आपके लिए 24, नहीं देखिए कट गया, कटाने में गलती हुई है, 16 टाइम कटेगा तो 16 × 2 = 32, क्या हो जाएगा ये 32, तो 32 इसकी साइड आ गई, एक 32 इसकी साइड आ गई और इसका मिल गया। तो आयत के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको हल करिए आप तो मिलेगा आपको 1008 वर्ग सेंटीमीटर। और स्क्वायर के लिए क्या होता है, वर्ग के लिए क्या होता है, भुजा का, भुजा में गुणा, यानी भुजा का स्क्वायर, तो 32 × 32 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1024। और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए आप तो आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, क्या हो जाएगा 2032 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये भी आसान था, बस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत थी, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे,
जब ताज़े मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलो ताज़ी मछलियाँ खरीदी हैं। सावी ने 2709 किलो ताज़ी मछलियाँ खरीदी हैं, 27 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीदी। उन्हें सुखाने के पश्चात 97.5 रुपये प्रति किलो के दर से बेच दी, तो उसका कुल लाभ हुआ। पहले तो उसने कितनी मछलियाँ खरीदी जो ताज़ी थी, 2709। उसके बाद सुखाता है इन मछलियों को, सुखाता है तो जब सुखाएगा तो उसका भार रह जाता है 1/3। तो 1/3 यानी कितना हो गया, 3927090903 किलो रह गई, किलोग्राम ये और किलोग्राम ये। ये कब है, सुखाने से पहले, और ये वज़न कब है, सुखाने के बाद। सुखाने से पहले वो जब ख़रीदा था ताज़ी मछलियाँ तो 27 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीदा था, और जो यह बेचा है सुखाने के बाद तो 97.5 के हिसाब से बेचा है। तो इसका मूल्य कितना है आप निकालेंगे यहाँ से गुणा करके, तो आपको मिलेगा 77,143। इसका मूल्य कितना है सुखा कर बेचने के बाद, तो आपको मिलेगा 88,042.55, यानी कि 88,042.50। तो अब इसी को घटा दोगे आप 88,042 में से, 88,042.5 में से क्या घटाना है आपको, 73,143, तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। घटाइए 5, 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा, ठीक है, और 13 में से 4 घटेगा फिर 9 बचेगा, फिर उसके बाद 9 में से 1 घटाएंगे आप 8 बचेगा, और 7 में से 3 घटेगा 4 और 1, तो 14,899.50। जो सही आंसर था ये था। क्या करना है आपको, पहले मछलियाँ कितनी थी, 2709 किलो, सुखाने के बाद कितनी रह जाती, 1/3। तो 2709 को 3 से भाग देंगे तो सूखने के बाद मछलियों का वजन मिल गया आपको, ठीक है। सूखने के बाद क्या मिल गया आपको, मछलियों का वजन मिल गया। सूखने के बाद आपको मछलियों का वजन मिल गया, तो क्या मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स का। इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद आप, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो संग जो मिलेगा पैसा, 2709 में गुणा करेंगे आप इसके पैसे को, और जो घटने के बाद पैसा आएगा उसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो उनको निकाल करके पैसे को माइनस कर देंगे, आप रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।